हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट उत्ते। मैं तुहाडा अपना दोस्त अते होस्ट दिलप्रीत सिंह तुहाडा स्वागत करदा हाँ मेरे YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट उत्ते। दोस्तों, जेकर तुसी मेरे चैनल उत्ते पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नू सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन दबा दो दोस्तों। तो आने वाले टाइम के तुहाडे लई बहुत कुछ लैके आ रहे हैं चैनल उत्ते, स्टडी मटीरियल ते ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिद्दां दा भी जो भी मटीरियल तुहाडा सरकारी नौकरियां दे रिलेटेड हुंदा सब कुछ तुहाडे लई लैके हाजिर होवांगे आने वाले टाइम दे विच। ते दोस्तों, अज असी जिहड़ा तुहाडे लई जॉब नोटिफिकेशन लैके आए जी, वह लैके आए हैं ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ UT चंडीगढ़, गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग सैक्टर 18 चंडीगढ़ दे विच इहदा हैड ऑफिस है जी। तो दोस्तों, इंस्पैक्टर की भर्ती है जी, इंस्पैक्टर की भर्ती दे लई जो भी रिक्रूटमेंट न्यूज़ है तुहाडे लई लैके हाजिर होए हैं जी। जे तुसी इंस्पैक्टर बनना चाहुंदे हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे विच तां बहुत ही सुनहरी मौका तुहाडे लई। ते दोस्तों, की एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहीदी आ, की क्राइटेरिया, किन्नियां वैकेंसियां, की सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारी जानकारी तुहानू देवांगे। साडे नाल एंड तक जुड़े रहो, वीडियो जरूर देखो, तो हो सके तो कमेंट करके लाइक करके सानू एप्रीशिएट जरूर कराया करो। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं जी। ये दोस्तों परमानेंट अते टेंपरेरी दोनों तौर पर वैकेंसीज़ ने, 4 वैकेंसीज़ ने इंस्पैक्टर ग्रेड 2 ऑडिट दिया, 5 वैकेंसीज़ ने इंस्पैक्टर ग्रेड 2 जनरल दिया। तो दोस्तों, यदा पे स्केल रहेगा जी 5910 तो 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे दे नाल। ते इंस्पैक्टर ग्रेड 2 ऑडिट दियां दोस्तों टोटल 4 वैकेंसीज़ ने जी, 1 जनरल, 1 एक्स सर्विसमैन, जनरल एक्स सर्विसमैन होवे, ते 1 OBC 1 SC। इंस्पैक्टर ग्रेड 2 दियां अपने कोल टोटल 5 वैकेंसीज़ ने जी, 3 जनरल, 1 OBC 1 SC, ठीक है जी। उस तो बाद प्रोबेशन पीरियड है जिहड़ा तुहाडा 3 साल दा रहेगा, 3 साल दे प्रोबेशन पीरियड दे दौरान तुहानू जिहड़ी 10,300 तनखाह मिलनी है, उस तो बाद फुल तनखा मिलनी है जी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री तुहाडी चाहीदी है किसी भी यूनिवर्सिटी तो, किसी भी स्ट्रीम दे विच, चाहे वह BA है, चाहे BBA है, चाहे BCA BCOM, जो भी डिग्री है ग्रेजुएशन वो तुहाडी होनी चाहीदी है। तो प्रेफरेंस दिती जाएगी दोस्तों जिन्ना कोल डिप्लोमा हैगा कोऑपरेशन दे विच, भाव के जेकर तुसी कल्ली ग्रेजुएशन डिग्री की आ तो तुसी इहदे लई अप्लाई कर सकते हो। जेकर तुहाडे कोल डिप्लोमा हैगा कोऑपरेशन दा तां तुहानू पहल दित्ती जाएगी, तां तुहाडे लई प्लस पॉइंट है। मतलब ये नहीं हैगा कि जेकर तुहाडे कोल डिप्लोमा नहीं हैगा कोऑपरेशन च तां तुसी अप्लाई नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुसी BA कीती आ तुसी अप्लाई कर सकते हो। तो एज लिमिट नोट कर लो दोस्तों, 18 से 37 साल होनी चाहिए है जी, तो 21-19 के अकॉर्डिंग पूरी होनी चाहिए आ। तो रिलैक्सेशन जिमें SC की होंगी है 5 साल की, 42 साल तक SC अप्लाई कर सकते हैं जी। OBC है जिहड़े 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तो बाद दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया की गल करिए, मैरिट लिस्ट बननी है जी ऑब्जेक्टिव टाइप टैसट के आधार पर जोड़ा थोड़ा होना है। तो उस तो बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप है जोड़ा टैसट है 60 मार्क्स का होना, 60 नंबर का होना है, तो 40% नंबर थोड़े इस टैस के होने चाहिए घट्टो घट। कोई इंटरव्यू नहीं हैगी दोस्तों इस सिलेक्शन के लिए, नोट कर लो कोई इंटरव्यू नहीं है। तो रिटन टैसट होना है दोस्तों, थोड़ा रिटन टैसट भाव के ऑब्जेक्टिव टाइप टैसट होना है, 60 क्वेश्चन होने हैं, 60 मार्क्स के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है जी। टाइमिंग है 1 घंटे की, 60 मिनट के, भाव के 60 मिनट के 60 क्वेश्चन करने हैं, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आ। तो नोट कर लो कि आना ये लैंग्एज प्रोफिशेंसी इंग्लिश 12 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, 12 नंबर के। जनरल अवेयरनैस जिन्हों आप GK कह दें, ये करंट अफेयरस हो गए, स्टैटिक GK होगी, 12 क्वेश्चन 12 नंबर के आने हैं जी। मैंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग एबिलिटी 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, ऑडिटिंग के 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, 60 क्वेश्चन हो गए दोस्तों टोटल। तो ये अपना जो भी है यदा क्राइटेरिया दोस्तों, तो 60 मिनट की ड्यूरेशन तुम दस ही दी है। तो रिटन टैसट दोनों कैटेगरीज लिए होएगा, मतलब कि इंस्पैक्टर ऑडिट लिए भी, इंस्पैक्टर जनरल लिए भी। तो दोस्तों नैगेटिव मार्किंग भी दस दी है, नैगेटिव मार्किंग जरूर हैगी है, 0.25 की जिमें होंगी है आम पेपर। तो दोस्तों एग्जामीनेशन क्वेश्चन पेपर है जोड़ा, वह मीडियम है अंग्रेजी भाषा के ही आएगा, कोई पंजाबी हिंदी के नहीं आना।
ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਰੀ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ SC ਲਈ 500 ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਜਨਰਲ OBC ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋਸਤੋ 40% ਮਾਰਕਸ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਓਵਰਆਲ ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੀਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ 9/1/2020 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।